बताए कैसे हाल है दिल तुझे, तू खुश रहे जहां भी तू रहे। दादो चले गए थे आप दोनों, हम परेशान हो रहे थे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप परदादी बनने वाली हैं और मैं बाप। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक, कितनी खुशी की बात है, अल्लाह तेरा शुक्र। इरहान ने इस घर को सबसे बड़ी खुशी दी आज। साबरा मिठाई मंगवाओ और सबको खिलाओ, और बेगम साहिबा का बहुत ख्याल रखना, इन्हें कोई काम नहीं करने देना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश, यही तो है मुझे तुमसे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। और आपने अपना पूरा ख्याल रखना है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गाड़ी आहिस्ता से चलाइएगा, मैं आपको वहां तक। नो नो नो, आप बैठ, मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। बाय। आप खुश हैं? बेइंतहा, हमेशा खुश और आबाद रहो। आमीन। सज्जल, तुम्हारे अबू का फोन आया था, शाम में तैयार हो जाना। खैरियत, कोई आ रहा है रात में? इरा के मां बनने की खुशखबरी है, मुबारकबाद देने के लिए जाना है हम लोगों को वहां। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? अब मेरा मतलब है कि कितनी खुशी की बात है ना अम्मी। हाँ, बात तो वाकई बहुत खुशी की है। अब तो इरा के कदम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे उस घर में। शहीर तो वैसे ही उसके आगे पीछे घूमता था, अब तो और भी दीवाना हो जाएगा उसका। कब तक जाना होगा शाम में, ताकि मैं उस हिसाब से तैयार हो जाऊं? भाई ऐसे वक्त जाएंगे कि शहीर भी घर पर हो, उसे भी तो मुबारकबाद देनी है ना। तुम्हारे अबू के कपड़े हैं, जरा इस्त्री कर देना। कहाँ गुम हो? तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं, कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? जी। मोहब्बत करना ना कोई जुर्म है और ना उसकी तकमील, और अगर आज तुमने इरहा से नजरें मिलाना नहीं सीखी तो उसे शक करने का मौका खुद दोगे। आप कुछ भी कहें, मैं इरहा को बिल्कुल फेस नहीं कर सकती। और अगर उसने पूछा कि मैं आपके साथ क्यों आई तो? उसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अगर उससे मिले बगैर अपने घर चली गई तो अपने वालदैन को क्या जवाब दोगी? तुमने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था, इसीलिए तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट हटाना अपना फर्ज समझता हूँ। तुमसे ज्यादा तुम्हारा एहसास है मुझे सज्जल, ट्रस्ट मी। आपको मेरी नजरों से देखो सज्जन, तुम किस काबिल हो इसका अंदाजा सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं।
carry on. I just need to take this call. क्या पागलपन है सचिन? क्यों बार बार फोन कर रही हो? बिजी हूं मैं। पाप बनने की खुशी में पुराने ताल्लुकात कुछ ज्यादा जल्दी नहीं भूल गए? ये शिकायत तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छा लगता है फिर? हाँ क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? गलत ही तो है, तुमसे दिल का रिश्ता है मेरा, और जो लोग दिल में रहते हैं उन्हें आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। बस झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ बोल के क्या इनाम मिलेगा मुझे? मैंने तो मीटिंग में भी कॉल अटेंड कर लिया कर, फिर आज ये तब्दीली किस लिए? तुम बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब है? शहीद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मुझे, अगर उसके साथ रिश्ता बनाना ही था तो हमारे सब फजूल के वहम मत पालो, मुझसे मिलो फिर डिसाइड करो क्या सही है क्या। नहीं मिलना मुझे आपसे, अगर मैं आपके लिए अहम नहीं तो क्या फायदा मिलने का? और वैसे भी वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो उसके आगे पीछे फेरे? ये फैसला तो मुझ पे छोड़ दो, मैं एक जरूरी मीटिंग छोड़कर तुमसे बात करने आया हूँ। अगर इरा कॉल करती तो मैं कभी भी ना होता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मीटिंग छोड़ कर आया। खैर ये बातें बताना फिर, बाद में बात करते हैं, बाय। सज्जल, हर चीज की कीमत होती है जिसे अदा करना होता है, तुम्हें भी आज कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? उस एहसान की कीमत जो मैंने तुम पे किया था। क्या करना होगा मुझे? इनकार नहीं चलेगा। मैं क्यों इरा के मां बनने की खबर पर दुखी हो रही हूं? ये सब तो होना था, फिर मुझे ये सब इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं इरा से जेलस हो रही हूं? लेकिन ये सब तो होना था, वो उसकी बीवी है और मैं क्या हूं फिर? कुछ भी तो नहीं। मुझे शहीद से बात करनी होगी।
वो मुझे ऐसे बहला नहीं सकता। उसे जल्द कोई ना कोई फैसला करना होगा। मुझे पता होता तो बल्कि मैं शहीद को भी बुलवा लेती। दरअसल उन्होंने आज ही बताया था कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो देर से आएंगे। अरे भाई, मैंने तो इनसे कहा था कि ऐसे नहीं जाते, फोन करके जाते हैं। लेकिन जानती हो ना अपने चचा को, कहने लगे बगैर बताए जाएंगे अचानक से। वो बहुत खुश हो जाएगी, सरप्राइज देंगे जाकर। आपका सरप्राइज सर आंखों पे, मैं तो बस शहीद के लिए कह रही थी। अरे मेरी बच्ची, हम शहीद से नहीं, हम तो तुम्हें देखने हैं, तुमसे मिलने आए। जीती रहो, सलामत रहो। ये बताओ कि शहीर की दादी जान की तबीयत अब कैसी? चचा जान, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। आप उनकी केक खाइए ना चचा जान, आपको बहुत पसंद आएगा। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। जीते रहो। माशाल्लाह से बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ऐसी बहुत सी खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सज्जल नजर नहीं आ रही, उसे खाला बनने की खुशी नहीं हुई क्या? अरे भाई, वो तो खबर सुन के पागल हो गई थी। बस नहीं चल रहा था उसका कि उड़ के चली आए। बिल्कुल जाहिर है, हमारे होने वाले बच्चे की इकलौती खाला है, खुश होना तो बनता है। कहाँ वो? टेरेस पे, बुला के लाऊं? नहीं नहीं, इट्स ओके। अंकल मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ, आप लोग बैठिए। इन्हें खाना खाए बगैर मत जाने देना। अरे एक्सक्यूज मी, अब तो आपको ठीक से खाना पड़ेगा, बल्कि मैं डिनर का भी बंदोबस्त करा देती। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें तो हैं माशाल्लाह। और इसी तरह खुशखरम रहो, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिस्क में। आमीन आमीन। यहां क्यों खड़ी हो? आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब तो मैं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाती। ऐसे क्यों कह रही हो? तो फिर बता दें, आपकी जिंदगी में मेरा मुकाम है क्या? हम्म, कैसे रिएक्ट करना चाहिए मुझे, या उसकी भी इजाजत नहीं है? यू आर जस्ट बीइंग इमोशनल हियर, ओवर रिएक्ट कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ मेरी बीवी है तो जाहिर है उसे ही मेरे बच्चे की माँ बनना है ना? हाँ, वो आपकी बीवी आपके बच्चे की माँ बनने वाली, तो मैं क्या हूँ? यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट। तुम तो वहां रहती हो जहां तक इरा भी नहीं पहुंच पाई। झूठ झूठ है ये सब, आप मजीद मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, बजाहिर इरा इस घर में रहती है, लेकिन तुम मेरे दिल में रहती हो, यहां पर। उसकी जगह मैं भी तो हो सकती थी, आपके घर में, आपके दिल में। बीवियां दिल से उतर जाती हैं, लेकिन महबूबा छोड़ भी जाए ना, तो हमेशा दिल के किसी कोने में अपनी याद का दिया जलाए रखती है। तो मैं अमर होना मंजूर नहीं है। वो तो है, लेकिन ऐसे 10 घर तुम्हारे नाम कर सकता हूं मैं। ये घर गृहस्थी से निकल आओ, तुम इसलिए नहीं बनी हो, तुम तो दिलों पर राज करने के लिए पैदा हुई हो। तुम तो वो लड़की हो जिसे हर मर्द देखकर आहें भरता है। इरा जैसी लड़की को तो मर्द घर पर लाकर भूल जाता है। चंद सालों बाद बीवी सिवाय बच्चों की गवर्नेंस और घर की केयर टेकर के अलावा कुछ नहीं रहती। तुम्हें यह सब करना है? Think about it.
ये आपके लिए गरम गरम कॉफी। अरे आप क्यों ले आई? मैंने साबरा से कहा था वो ले आती। जब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो कोई और क्यों करे ये काम? कैसा रहा आज का फंक्शन? बोर तो नहीं हुई? बहुत अच्छा रहा फंक्शन, बस वहां पे जाके थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उन यतीम बच्चों में मुझे अपना आप नजर आ रहा था। उनकी आंखों में जो दुख, जो बेबसी, जो मायूसी थी, वो मैं अपने अंदर भी महसूस करती थी अपने बचपन में। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। शहीर, हम उन बच्चों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? माशाल्लाह आपका इतना बड़ा बिजनेस है, क्यों ना उनके लिए कोई ट्रस्ट बनाया जाए जिससे उनकी तमाम महरूमियां, उनकी सारी हसरतें हम पूरी कर सकें। आपने कभी कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचा? इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन मेरे पास वक्त कहाँ है। बट इफ यू कैन टेक द लीड प्लीज गो अहेड, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आपको वाकई कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम घर के साथ साथ मैनेज कर सकती हो तो व्हाई नॉट, लेकिन मेरे और मेरे बच्चे को अगर इग्नोर किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप और आपका होने वाला बच्चा मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अपनी जिंदगी से कोई भला कैसे रुक मोड़ सकता? I know. आप रेस्ट करो, I'll join you soon. हाँ, लेकिन प्लीज जल्दी आइएगा। सज्जल, अरे वो मेरा छोटा पर्स देखा है पैसों वाला? यही होगा कहीं। अरे भाई वो कमेटी के पैसे देखने हैं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, मिल ही नहीं रहा है। बताओ अगर तुम्हें पता है तो। मैं देखें कबर्ड में शायद हो। अरे भाई देखती हूँ। इतना महंगा सेट तुम्हारी अलमारी में, ये कहाँ से आया? अम्मी ये आर्टिफिशियल है, इरा की शादी पे लिया था ना। इधर दिखाओ, कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल असली है। बताओ जरा कहाँ से आया? छुपा तो नहीं रही हो कुछ? खास बात यही है कि आर्टिफिशियल नहीं, बिल्कुल रियल दिखता है ना। कितना अच्छा है ना। और वैसे भी आपको कैसे याद होगा, मैं तो इरा के साथ गई थी लेने के लिए। और किन बातों में लग गई है, जो काम करने आई थी वो तो कर ले, मैं ढूंढती हूँ। अरे हाँ हाँ जरा देखो जल्दी। कहीं रख के भूल जाती है, कमेटी देनी है और दूसरी बातें कर रही है। अभी तो ये सामने पड़ा हुआ है, क्या हो गया है आपको? और खुद ही रख के भूल जाती है और फिर हमें बोलती है कि छुपाती रहती हो हमसे। शुक्र है मिल गया, नफीसा ने मेरी जान खा ली थी कमेटी के पैसों के लिए। जरा दे आऊं कमेटी के पैसे और आके ना वो जो अब्बा की कमीज जली है ना तुम्हारे, उसका तो हिसाब करती हूँ तुमसे। अच्छा ये तो बताएं आज खाने में खाएंगी क्या? जो भी आपकी फेवरेट डिश होगी वो मैं बना दूंगी। कुछ भी, जिंदा रहने के लिए तो खाना है, अपने शहीर की निशानी। अच्छा मुझे ये तो बताइए दादी जान कि आप क्या चाहती हैं, बेटा या बेटी? बेटा शहीद की तरह, बेटी आपकी तरह।
ये तो बड़ा सियासी जवाब हुआ। चले आज रात को जब शहीर आएंगे तो ये बात उनसे भी पूछेंगे, उन्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी। अरे देखे जरा कितनी लंबी उम्र है आपके शहीर की, अभी बात की और साथ ही कॉल आ गई। अच्छा मैं आपके खाने का बाहर कह देती हूँ और शहीर की कॉल भी सुन, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, आराम से। संभल कर बेटा। सॉरी। हेलो जी शहीर। नहीं वो दादी जान को मसाज कर रही थी। जी जनाब अब बताइए क्या हुक्म है इस कनीज के लिए? मिस कर रहा था अपनी जान को, इसलिए मीटिंग से फ्री होते ही फोन किया, लेकिन तुम्हें तो खैर ये तौफीक होती नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप मुझे भूलने लगे हैं, क्योंकि मिस करने की नौबत तो तभी आती है। बातें मत बनाओ, तुम जानते हो ये मर के भी नहीं हो सकता। अच्छा अब ये बताएं कि कॉल क्यों की थी? खाने पे इंतजार मत करना, देर हो जाएगी। एक दोस्त आया हुआ लंदन से, उसके साथ डिनर प्लान है। आपका दोस्त आया हुआ है तो आप उसे घर ले आते ना? नहीं कुछ और दोस्त भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए घर पे मुनासिब नहीं था। वैसे भी यू नीड रेस्ट एंड आई डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस फॉर द बेबी। ये तो है। अच्छा फिर अब वापस कब आएंगे? कहा है ना देर हो जाएगी, इसलिए इंतजार मत करना। चलो मैं बिजी होने लगा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ख्याल रखना अपना। लव यू। लव यू टू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। साबरा जी। बाजी आज आप दादी जान के लिए खाने में क्या बना रही हैं? खिचड़ी बना रही हूँ और साथ में दही। आप बताएं आपके लिए क्या बनाऊं? जो आप दादी जान के लिए बनाएंगी आज मैं भी वही खाऊंगी। शहीर साहब वैसे भी लेट आएंगे तो कुछ भी खास एहतमाम करने की जरूरत। ठीक है थैंक यू। इंटरव्यू? कौन सी कंपनी है जो तुम्हें बगैर डिग्री के जॉब ऑफर कर रही? अब्बू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जहाँ तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो बेटा, ये यहाँ से कितनी दूर होगी जगह? ज्यादा दूर नहीं है, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अकेली जाओगी? यूनिवर्सिटी भी तो अकेली ही जाती हूँ। चलो बेटा यूनिवर्सिटी की बात और है, एक अनजाने ऑफिस में जा रही हो, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। ऐसा करो अपनी माँ को साथ ले जाओ। अबू कैंडिडेट्स को सिर्फ अलाउड है वहाँ पे, उनके एड में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। अरे भाई मैं कहाँ इसके साथ वहाँ धक्के खाती फिरूंगी, और वैसे भी इंटर्नशिप कर रही है, अल्लाह खैर करे कल को जॉब भी मिल जाएगी इसे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम ले और इसे जाने की इजाजत दे दे, इसकी मुस्तकबिल का सवाल है। अरे मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, कौन सा रोक रहा हूँ मैं? अब जवान बेटी को कोई नई जगह पर जाने से पहले मुझे इल्म तो हो कि वो कहाँ जा रही है। मेरी बेटी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, ऐसी तरबियत नहीं की है मैंने इसकी। और फिर चाहे दिन हो या रात हो क्या फर्क पड़ता है, पूरा यकीन है मुझे अपनी बच्ची पे। इजाजत दे दीजिए इसे जाने की। अब मैं जाऊँ, मुझे देर हो रही है, अगर आपको की इजाजत। हाँ बेटा जाओ, खुदा हाफिज़। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये मामला ओके, अब अल्लाह हाफिज़।
मैं आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सा वक्त मुझे यहाँ खींच के ले आया। कितना तरसाती हो एक झलक दिखलाने के लिए, काश कि कोई तुम्हें ज़ूम पर सजा दे सके। बातें कम मनाए, आपको अंदाजा नहीं है कितनी मुश्किलों से मैं यहाँ आई हूँ। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क में डूबना अच्छा नहीं, वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता। तो क्या जरूरत है, मैं तो चाहता हूँ मेरे इश्क में डूबने के बाद तुम कभी उभरने का सोचो ही ना। और अगर आपका दिल भर गया तो? मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं होगी।